हमारा नाम अफजल खान है, हमसे कोई नहीं बच सकता। हम पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के मिलने के लिए अपनी बाएं फहराएंगे और फिर जोर से उनका गला पकड़ेंगे और नहीं रे, ये पापू से नहीं हो सकता। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण पकड़ लूंगा, उनका आशीर्वाद भी ले लूंगा। उल्टा सोच रहा है। अरे मला भक्त, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त, मन से बड़ा तन से गड़ा, भोला वाला बालक, गोल गोल घोटे हो रे बाजी। अफजल खान नहीं बन सकता, मुझे तो कोई और बना दे, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई मोटा घोड़ा होगा, उसका तो मुझे सवाल ही आता है। मुझे अफजल खान नहीं बनना, उस बैल के संवाद तो मुझे याद ही नहीं हो रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जो काम हाथ में लो उसे अधूरा मत छोड़ो, पूरे मन से पूरा करो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा कि जो काम हाथ में लो उसे अधूरा मत छोड़ो, पूरे मन से पूरा करो। पर बाजी, ये संवाद तो चिमना ने नहीं लिखे। बाजी, ये संवाद नहीं, उनके जीवन का आदर्श था। यदि तू उनका सच्चा भक्त है तो ये नाटिका बीच में नहीं छोड़ेगा। और याद रख घोटिया, अगर ये नाटिका अच्छी नहीं हुई तो गुरुजी के सामने मेरी आई का सर झुक जाएगा। तू ये चाहता है? नहीं बाजी, मैं ये चाहता हूँ कि तू अफजल खान बने। और मैं चाहता हूँ कि बालू को छत्रपति शिवाजी महाराज बनने से रोकूं। और आज हर देशभक्त के लिए एक बहुत बड़ा दिन है घोटिया, और मैं बालू जैसे गद्दार को छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका करके उनकी स्मृति का अपमान नहीं करने दूंगा। चल पटकन तैयार हो। ओ, शुरू करते हैं। शिव जयंती लेकर प्रभु का नाम। महाराज प्रौढ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतार सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज छत्रपति शिवाजी महाराजांचा नमो पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव।
सबने आकाश का सूर्य देखा होगा, हमने मराठियों का सूरज देखा है, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा है। हम बहुत छोटे थे, सोयराबाई साहेब के साथ खेल रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली थी और हमें कहा कि बताओ मोती किस मुट्ठी में है। हम हर बार गलत मुट्ठी पर हाथ रखते, बार बार हारने की वजह से हमारी हिम्मत टूट गई और हमने कहा कि हमें ये खेल नहीं खेलना। तभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमसे कहा कि हमारी स्थान पर वो खेलेंगे। सोयराबाई साहेब ने फिर से अपनी मुट्ठियां बंद की और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्होंने भी गलत मुट्ठी पर हाथ रख दिया। लेकिन अपनी हार के बाद वो हंसने लगे। हमने उनसे पूछा कि आप हार गए हैं और आप फिर भी हंस रहे हैं। तब उन्होंने हमसे कहा कि हम मात्र बाजी हारे हैं, हिम्मत नहीं। ये सुनकर हमें फिर से साहस मिला खेलने का और हमने दोबारा खेला और अब की बार हम जीत गए। खेल खेल में इन्होंने हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दी कि हारता वही है जो दोबारा कोशिश करने की हिम्मत न रखे, और ये हम आज तक नहीं भूले हैं। हर राजा को साम्राज्य विरासत में मिलता है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज को जीजा माता के संस्कार मिले थे विरासत में। पग पग भूमि के लिए युद्ध किए, रक्त बहाया, इस मिट्टी में स्वराज उगा है, क्योंकि इस मिट्टी को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने रक्त से सींचा है। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद से हम राजे को एक भेंट देना चाहते हैं। परंतु काढ़े के भय से, और हमारा अनुभव कहता है कि जो घोड़ा चाबुक की मार से आगे बढ़ता है वो चाबुक के हटते ही पीछे लौट जाता है। जो तलवार रानी साहिब दे रही है उसका रूप भवानी तलवार जैसा है, पर क्या महाराज इसका यश भवानी तलवार जितना बड़ा कर पाएंगे? ये मात्र तलवार नहीं, एक धरोहर, एक विरासत, एक परंपरा सोपोनी है। और याद रहे, इस परंपरा की धार को कभी जंग मत लगने दीजिए। इसलिए बालाजी भट्ट आपको जो भी सिखाते हैं पूरी निष्ठा से सीखिए। जल्द से जल्द धनाजी को सूचित करना होगा कि औरंगजेब गुड़ी पाड़वा में कुछ करने की योजना बना रहा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी सुना है राधाबाई ने अपने बाजी को आपकी पाठशाला से निकाल दिया है। मुझे इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है। आप और आपके साथी
व्यवस्था का जायजा लीजिए, मैं प्रसाद व्यवस्था देख कर आता हूँ। आइए। जीवा महाला नावाचा एक ढाबी होता, अब म्हणतात ना होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। शिवबाच्या संगती महाला, शिवबाच्या संगती महाला।